जय हिंद। आज हम बिहार न्यूज लेकर हाजिर हैं, तो देखेंगे सारे डिटेल कक्षा 8 तक जो एग्जाम हो रही है, काफी इसमें कुछ नया है, तो एक एक चीज बताएंगे हर एक कक्षा के लिए क्या कुछ खास है। अब की बहुत कार्रवाई भी होने वाली है, तो चलिए चलते हैं अपना अड्डा पर। बिहार न्यूज, आज से शुरू होगी कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम। 1.5 करोड़ बच्चे होंगे शामिल, सोचिए कितना बड़ा नंबर है। बिहार है, कोचकल है एकदम जनता से, तो चलिए देखते हैं। 1.5 करोड़ होता है, बहुत बड़ा ये नंबर है, समझ सकते हैं किसी छोटे देश में के बराबर है ये, जरा 1.5 करोड़। तो चलिए देखते हैं, वेटिकन सिटी बहुत छोटा देश है, तो उसका भी इतना ही कुछ है जनता, तो देखते हैं। परीक्षा संपन्न होने के बाद 23 से 27 मार्च के बीच उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी। क्या डेट है? 23 से 27 मार्च के बीच उत्तर पुस्तिका की जांच हो जाएगी। भाई जब एग्जाम दे देंगे तो थोड़े ना मजा मारना है, एग्जाम कॉपी चेक होगा, शिक्षक को थोड़े ना आराम मिलेगा, क्योंकि पैसा कौची के लेते हैं। संबंधित स्कूल अपने बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच खुद से जाँच नहीं करेंगे, यानी कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी एक स्कूल पार्टिकुलर में पढ़ते हैं, जैसे संजय गांधी स्कूल में हम पढ़ते हैं, हम अपना बता रहे हैं, तो वहाँ के जो शिक्षक हैं वो हमारे जो अपने ही स्कूल के बच्चों के कॉपी नहीं चेक करेंगे, दूसरे स्कूल में जाएंगे ना, होता है देखते हैं कि सर 50 रुपया दे दो, मिठाई उठाई चल जाती, नंबर बढ़ा देव, तो ऐसे में पास बड़ी कट जाता है, पैसा दे के परीक्षा ना देता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कार्रवाई होगी। परीक्षा समाप्ति के बाद विद्यालय, आगे देखते हैं, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, तो पटना ये है, प्राथमिक और मध्य कक्षाओं के 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों की वार्षिक परीक्षा 13 मार्च से शुरू होने जा रही है। कहाँ से? कब से? 13 मार्च, जो कि आज ही का डेट है, और यह ऑफिशियल न्यूज है प्रभात खबर का, जो कि बिहार में काफी फेमस है। कक्षा 5 और 8 की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू हो रही है। कब से? 13 मार्च से, सोमवार को पहली पाली में यानी फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे भाषा विषय मसलन हिंदी, उर्दू व बांग्ला की परीक्षाएं है, यानी जो भी आपका लैंग्वेज है, भाषा है, उससे संबंधित विषय से आएगा। वहीं अंग्रेजी की परीक्षा 1:30 बजे से शुरू होगी। कब से? 1:30 बजे से अंग्रेजी की। बिहार शिक्षा परियोजना ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, हम तैयारी फुल है, हल्के में नहीं लेना है भैया। 23 से 27 मार्च के बीच उत्तर पुस्तिकाओं की जांच। कब से? 23 से 27। 14 मार्च को गणित, ध्यान से सुनिएगा, ये शेड्यूल है, ये किस दिन किसका विषय का परीक्षा होगा ये है, तो 14 मार्च से गणित और सामाजिक विज्ञान अथवा या इसके अलावा पर्यावरण विषय का पेपर होगा 14 मार्च को। इसी तरह कक्षा 5 और 8 की परीक्षाएं, क्या कक्षा 5 और 8 की परीक्षाएं 16 मार्च तक होगी, और कक्षा 1 से 4 और 6वीं-7वीं की परीक्षाएं 17 से 21 मार्च तक होगी। अब आगे देखते हैं, परीक्षा संपन्न होने के बाद 23 से 27 मार्च के बीच उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी। संबंधित स्कूलों अपने बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच खुद से जांच नहीं करेंगे, भैया दूसरे स्कूल में जाएगा, हेर फेर होगा। परीक्षा समाप्ति के बाद विद्यालय प्रधान, आगे देखते हैं, अपने स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं को नजदीक के संबंध स्कूल के समय से पहुंचा देंगे, यानी कि समय से पहुंचा देंगे, हेर फेर कर लेंगे, उस स्कूल का खुद ले लेंगे उत्तर पुस्तिकाएं, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और अपने स्कूल का उत्तर पुस्तिकाओं को दूसरे को दे देंगे। विभागीय स्तर से बच्चों के परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन पंजी से संधारित, ये इम्पोर्टेंट है, फिर से बताते हैं, विभागीय स्तर से यानी डिपार्टमेंट लेवल से बच्चों के परीक्षा परिणाम यानी जो रिजल्ट आएगा परीक्षा को, मूल्यांकन यानी जांच होगा, पंजी से संधारित, क्या पंजी से संधारित करने और प्रगति पत्रक में परीक्षा परिणाम को संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या
प्रगति पत्रक में जो आपका प्रोग्रेस लेटर है उसमें परीक्षा परिणाम एग्जाम रिजल्ट को संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ न्यूज है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ और पढ़ लेते हैं। 31 मार्च से होगी क्या PTM? क्या लगता है पेरेंट मीटिंग का है? जरा देखते हैं। परियोजना निदेशक की तरफ से विद्यालय प्रधानों से उत्तर पुस्तक को देते समय गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। टीचर को क्या किया जाएगा? जैसे आपके शिक्षक है, शिक्षक भी बहुत घुसखोर होते हैं, माफ़ी चाहूँगा यह कहने के लिए, क्योंकि यहीं कड़वा सच है, शिक्षक भी बहुत चोरी करवाते हैं, तो उनको शपथ दिलाया जाएगा कि चोरी ना करवाया जाए। परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। क्या एक स्थान होगा जहां पर जांच किया जाएगा। 31 मार्च को राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक बुलाई जाएगी। शिक्षक अभिभावक बैठक बुलाई जाएगी जहां पर सब डिस्कस करेंगे, सारे टीचरों को बुला के क्या क्या सही सलामत करवाना है, क्या कुछ होना है। इस दिन कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थी के प्रगति साझा की जाएगी, यानी कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको साझा की जाएगी। उन्हें प्रगति पत्रक यानी कि प्रोग्रेस लेटर दिए जाएंगे जो भी एग्ज़ाम में आएगा, जो भी एग्ज़ाम रिजल्ट होगा। परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी के लिए विशेष कुछ विशेष का है वो देखते हैं। कक्षाओं को संचालन 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। कि फिर से सुनिए, परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी, अब तो भैया जो इसमें वही समझते होंगे, जो इस सब में शामिल होंगे, जानते होंगे, तो विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। तो बस इतना ही था, जैसे ही कुछ खबर आती है फिर से डिस्कस करना चालू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।